शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सलार का क्लैश अब होना पक्का हो चुका है। ये दोनों बहुत बड़ी फिल्में हैं और एक दूसरे के बिजनेस पर असर तो डालेंगी। शाहरुख ओवरसीज मार्केटिंग के किंग हैं और अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर उनका तगड़ा दबदबा रहा है, मगर सलार इस मार्केट में सबसे बड़ी भारतीय रिलीज बनने जा रही है। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हो सकता है। पठान और जवान जैसी दो तगड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद शाहरुख खान इस साल अपनी तीसरी रिलीज के साथ तैयार हैं। राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख की डंकी 22 सितंबर को रिलीज होनी है। फिल्म की रिलीज में वैसे तो अभी अच्छा खासा वक्त है, मगर प्रभास की सलार से जुड़ी लेटेस्ट अनाउंसमेंट ने सभी का माहौल और भी मजेदार बना दिया है। पहले 28 सितंबर को रिलीज होने जा रही सलार को मेकर्स ने आगे के लिए टाल दिया और अब अनाउंस कर दिया है कि ये 22 दिसंबर को रिलीज होगी। भारतीय सिनेमा में दो इतनी बड़ी फिल्मों का क्लैश अभी से फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है। डंकी और सलार दोनों के ही हीरो डायरेक्टर सेटिंग बहुत तगड़ी है। एक ही दिन रिलीज हो रही ये दोनों फिल्में एक दूसरे के बिजनेस पर तगड़ी सींग लगाने वाली हैं। पैन इंडिया रिलीज सलार को हिंदी में टेस्ट देना होगा। इस मार्केट में शाहरुख की डंकी का दबदबा रहेगा, जबकि साउथ के राज्यों में सलार का दबदबा रहेगा। लेकिन दोनों फिल्मों के बीच अमेरिकन मार्केटिंग का तगड़ा मुकाबला होने वाला है। सलार की 22 सितंबर वाली रिलीज डेट टलने से पहले नॉर्थ अमेरिका में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी थी, तब वहां शाहरुख की जवान के लिए भी बुकिंग चालू थी। 7 सितंबर को आ रही जवान और सलार की रिलीज में 20 दिन का गैप था, लेकिन प्रभास की फिल्म एडवांस बुकिंग में आगे थी, शाहरुख की फिल्म के मुकाबले दुगनी कमाई कर चुकी थी। अब ये देखना मजेदार होगा कि क्रिसमस के वीकेंड में जब दोनों आमने सामने होंगे प्रभास और शाहरुख, तो किसकी फिल्म ज्यादा कमाएगी। ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमें देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24।